लगातार अगर बात की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस को तो बड़ी कामयाबी मिल रही है, जहां जम्मू में एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 5 किलो आईडी बरामद की गई है और साथ ही साथ एक ड्रोन को मार गिराया जो कि काराचक इलाके में था और वहीं से जो है 5 किलो आईडी बरामद की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के सोपोर में भी जो है कल बीती रात से इनकाउंटर शुरू था और उस इनकाउंटर में बताया जा रहा है 2 आतंकियों को जो है मार गिराया गया है और उसमें से अगर बात की जाए तो एक जो है लक्षण का जो है टॉप कमांडर था और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। आईजीपी कश्मीर जो है विजय कुमार, उनकी तरफ से ये बयान आया है कि लगातार अगर बात की जाए तो इस साल जो मिलिटेंट आउटफिट है लक्षण तोयबा, उसको लगातार कई कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा है और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ अन्य सुरक्षा बल जो है लगातार आतंक के सफाई में जुटे हुए हैं। अगर बात की जाए इस पूरे इनकाउंटर की तो इस इनकाउंटर को जो है कल बीती रात शुरू किया गया था। ये सोपोर का जो इलाका था, वारपोरा इलाका, वहाँ पर ये इनकाउंटर शुरू हुआ था और इस इनकाउंटर के शुरू होने से पहले भी जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि जो आतंकी हैं उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता है, इसमें भी जो है आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया परंतु आतंकियों ने जो है इस आत्मसमर्पण को ठुकराया और उनकी तरफ से गोलाबारी जो है वो जारी रही और उसके बाद जब पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से जो मोर्चा संभाला गया और वहाँ पर जो है इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा रहा है कि कश्मीर में अब एक ऑपरेशन चला लिया गया है जिसमें कि आतंकवाद जो मुक्त कश्मीर है उसे जल्द से जल्द बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उसी के चलते जो है ये इनकाउंटर जो लगातार हम देख रहे हैं, इनकाउंटर्स पेश आ रहे हैं और ये इनकाउंटर भी अगर बात की जाए तो एक बड़ा इनकाउंटर मानकर चल रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो 2 आतंकी मारे गए हैं उसमें से एक लक्ष्य तोयबा का टॉप कमांडर था और इन दोनों आतंकियों की पहचान भी जो है वो कर ली गई है। दोनों आतंकियों की पहचान के तौर पर जो है पहला आतंकी फयाज अहमद वार के नाम से बताया गया है, उर्फ उसे रुकाना कहा जाता था, उर्फ उमर कहा जाता था, और दूसरे आतंकी की बात की जाए तो शाइन मौलवी जो है उसका नाम बताया जा रहा था। दोनों ही जो है लक्षण तोयबा के जो मिलिटेंट आउटफिट है उसके साथ कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते थे और अगर बात की जाए तो पूरे इलाके की जब घेराबंदी की गई इन आतंकियों को ढेर करने के बाद वहां पर से अगर बात करें तो बड़ी तादाद में वहां से जो है गोला बारूद जो है बरामद किया गया है इनकाउंटर साइट से और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो आतंकी सफाया है वो लगातार किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में जो ड्रोन्स को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ड्रोन्स जो हैं लगातार स्पॉट हो रहे हैं, उस पर भी जो है अब नकेल कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी इनपुट मिली और उस इनपुट के आधार पर जो है कल बीती रात तकरीबन रात 1 बजे के करीब जो है कानाचक इलाके में ड्रोन को गिराया गया और उस ड्रोन के साथ जो है तकरीबन 5 किलो की आईईडी जो है वो लगाई गई थी और वो एक बड़ा अंदेशा दे रही थी कि शायद जम्मू में एक बड़ा हादसा हो सकता था। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सक्रियता है उसकी वजह से उसे टाल लिया गया है और इस पूरे अपडेट पर हमने आपको पहले जानकारी दी कि किस तरीके से एडीजीपी जो है मुकेश सिंह उन्होंने इसकी जानकारी दी और साथ ही साथ बताया कि इसके पूरे तार जो हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ नारकोटिक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी उस पर भी जो है लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जो है मुंह की खानी पड़ रही है। इस अपडेट में बस इतना ही, जुड़े रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।